नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का गुणनफल निकालना। तो चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ दो संख्या ले लेता हूँ, 11 और 13 ले लिया। आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो है संख्या 11 और 13 जो है विषम संख्या है, और इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से जानते हैं गुना करने कि हम लोग जो है 13 गुना 11 लिखते हैं और गुना करते हैं, 11 का पहाड़ पढ़ते हैं, 3 बार यानी 11 33, फिर कैरी 3 बच जाता है और फिर 11 से फिर 1 में गुना करते हैं और फिर इसी कैरी को जो गुणनफल आता है उसमें जोड़ देते हैं, यानी 11 3 14, यानी इसका गुना जो है 143 हुआ। ये जो है दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड है, और आज जो है कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि हम लोग को अगर ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से कोई भी चीज़ को गुना करें तो कहीं ना कहीं जो है बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसको कैसे शॉर्टकट में गुना करके इस क्वेश्चन को हल किया जाए। ये दोस्तों अभी बेसिक है, मैं आगे जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें जो है और पूरा टफ टफ लेवल का क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन अभी मैं बेसिक ही पर ही चर्चा करूँगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, हमें मान लेते हैं ही गुना करना है 11 गुना 13, तो हम इसके लिए सीधी सी गुना यही करेंगे कि इनके बीच का संख्या 11 और 13 के बीच का संख्या कौन है, यानी 11 और 13 के बीच का संख्या जो है 12 है। तो इसका क्या करते हैं कि हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें से 1 घटा देते हैं, यानी 12 के स्क्वायर जो होता है 144 हुआ और उसमें से जो है हमने 1 माइनस कर दिया, यानी 143। इसी तरह से फिर अगला कोई और अंक लेते हैं, जैसे अब सम संख्या में आते हैं तो हम लोग ले लेते हैं 12 और 14 को। इसको भी अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से गुना करें तो इसका हो जाएगा गुना हो जाएगा 12 4 48 का 8, कैरी 4 बचा और 12 और 4 16, 168 होता है। तो इसको आइए देखते हैं कि इसको फिर शॉर्ट मेथड से कैसे हल किया जाए। तो हमारा यही था क्वेश्चन 12 × 14। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इनके बीच के भी हम लोग संख्या को देखेंगे। 12 और 14 के बीच जो है 13 संख्या है, तो इसका भी क्या करेंगे, इस 13 का जो है हम लोग स्क्वायर करेंगे और फिर इसमें से 1 निकाल देंगे, यानी इसका स्क्वायर जो होता है 169 हुआ और इसमें से माइनस 1 कर दिए, यानी 168। इसी तरह से हम लोग जो है इसको इस दो क्रमागत संख्याओं को संख्या मतलब जो विषम हो या सम हो उसको गुना जो है इसी तरह से करते हैं। अब आगे और संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 13 × 15। अब इसके लिए भी इसके बीच की संख्या को देखते हैं, है 14, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसमें से 1 कर देते हैं, यानी इसका हो जाएगा 196। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 195। इसी तरह से और आगे का कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग लिए 34 × 36, तो इसके बीच का संख्या हम लोग जानते हैं क्या है, 35। इस 35 को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और इसमें से 1 को घटा देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 35 का वर्ग जो है 1225 होता है और इसमें से हम 1 घटा दिए, यानी इसका 1224 हो गया। इसी तरह से और आगे का संख्या लेते हैं, जैसे 124 × 126। अब इसका भी बीच का हम लोग संख्या देखेंगे तो क्या है, इसका बीच का संख्या है 125। तो इस 125 को जो है स्क्वायर करते हैं और इसमें से माइनस 1 कर देते हैं। तो हम लोग 125 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 1 5 6 2 5, और इसमें से जो है 1 माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा
1, 5, 6, 2, 4। इस तरह से जो है हम लोग दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करते हैं।